हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा क्लास 9 का नंबर सिस्टम एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, और हमारा सेकंड पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हमने इसके पहले वीडियो में आपसे डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर एंड व्हाट इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर्स। तो हमने कहा था रेशनल नंबर्स के बारे में, वैसे नंबर्स जिसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखते हैं उसे हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर का डेफिनेशन हमने आपको दिया था, वैसे नंबर जिसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन बोला, वैसे नंबर जिसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिया, 3/4, 4/7, 5/3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ एग्जांपल्स हैं ये रेशनल नंबर्स के, 3/4, 4/7, 5/3। इन सभी को हम सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। हमने यहाँ पे कुछ इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन भी लिया है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी लिया है। तो हम लोग पहले रिप्रेजेंट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सबसे पहले नंबर लाइन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर लाइन में क्या होता है, आप एक पॉइंट को 0 मान लेते हैं, उसके आप इस साइड बढ़ते हैं तो जो हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 ये आगे चला जाता है इसी तरह से, और हम 0 के लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो पाते हैं यहां पर आपका नेगेटिव इंटीजर्स होता है। तो आज यह हमने देख लिया कि ये आपका नंबर लाइन है। हमें सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है 3/4 ऑन द नंबर लाइन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नंबर लाइन लेंगे, ये है आपका नंबर लाइन। सपोज कीजिए कि ये आपका 0 है, हमने देखा कि इसके पहले जो साइन है वो आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमें 0 के लेफ्ट साइड से कोई मतलब नहीं है, हमें 0 के राइट साइड से मतलब है। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो भी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है सारा ये प्लस में है, और ये हमने 0 के लेफ्ट साइड में जो भी इंटीजर लिखा है वो आपका माइनस में है, तो इसलिए हमने देखा 3/4 जो कि आपका पॉजिटिव नंबर है उसे हमें रिप्रेजेंट राइट साइड में करना होगा। अब हम इस नंबर को देख रहे हैं ये 3/4 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये 1 से छोटा है, क्योंकि हम जब इसे डिवाइड करते हैं 3 को डिवाइड दे रहे हैं 4 से, तो हम पाते हैं कि यहाँ आपको पहले 0 देके डेसिमल देते हैं, यहाँ 0 देते हैं, 4 7 28 हो जाता है आपका, यहाँ बच जाता है सब्ट्रैक्ट करने पे 2, हमने डेसिमल दिया हुआ है इसलिए 0 देंगे, और ये 5 टाइम्स में इससे ये डिविजिबल है पूरा पूरी, तो आपको मिल जाता है 3/4 इज इक्वल टू 0.75। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 से छोटा है, ये आपको नंबर मिल गया 3/4, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने निकाला तो हमें पता चलता है कि ये 1 से छोटा है, यानी हम जो 3/4 रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ये 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के बीच में है। हम जो 3/4 रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन में देखा 0.75 है, यानी ये 1 से छोटा है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो नंबर है 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, हम कह सकते हैं
यानी आपका 0.75 यानी 3/4 रिप्रेजेंट होगा 0 और 1 के बीच में। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2 और सो मेने टर्म्स आगे। तो हम देख रहे हैं ये 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम क्या करेंगे 0 और 1 के बीच में हमें रिप्रेजेंट करना है 0.75 यानी 3/4। इसलिए हम 0 और 1 को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम डिनोमिनेटर यहां पे देख रहे हैं 4 है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये जहां रिप्रेजेंट होने वाला है उसे उतने डिनोमिनेटर जितना दिया रहेगा उतना पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी 0 और 1 को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे इक्वल इक्वल। इसका हम इसको डिवाइड करने के लिए हम स्केल का यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा ये 1, 2, 3 और ये 4। अब हमें देखना है ये आपका हो जाता है 0.1, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, 0.1 है, 0.2 है, 0.3 और ये आपका इसे हम बोल सकते हैं 1। इसको कह सकते हैं 1/4, 2/4, 3/4 और ये 1। तो हम यहां पे देख रहे हैं हम डिवाइड करने वाले हैं 3/4, तो आपको अब न्यूमरेटर देखना है कितना है ये। तो हम देख रहे हैं ये 3 है, ये 0 और 1 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो इसमें आपको कितना पार्ट लेना है 3। तो हम देखते हैं यहां से 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ये 1, 2, 3 यहां पे इसे हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे और हम यहां लिख देंगे 3/4। तो इस प्रकार हमने 3/4 को रिप्रेजेंट कर दिया नंबर 9 पे। आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, इसके लिए आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा, पॉज करके आप रिपीट करके भी दोबारा देख सकते हैं और इसे बेहतर समझ सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है नंबर 4/7, हमारा नेक्स्ट नंबर है 4/7। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर उसी तरह से एक नंबर ले लेंगे नंबर 9। तो हमने ये नंबर 9 ले लिया, आपको 0 इस पे मार्क कर लेना है। आप देख रहे हैं आपका नेक्स्ट नंबर है 4/7। हम देख रहे हैं ये भी आपका पॉजिटिव है, यानी हमें 0 के इस साइड नंबर लिखना है। हम देख रहे हैं ये 4/7 है, तो यानी ये भी आपका 1 से छोटा है। तो डिवाइड देने पे हम पाते हैं यहां 0 देंगे, डेसिमल देंगे 5 बच गया, यहां फिर डेसिमल देंगे 0.7। तो हमने पाया ये भी 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो इसे भी हम क्या करेंगे 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये 4/7 का डिनोमिनेटर जो है वो 7 है, तो हम यहां 0 और 1 को 7 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसके लिए हम स्केल का यूज कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो अब हमें देखना है इसका न्यूमरेटर वैल्यू क्या है। इसका हमने न्यूमरेटर वैल्यू देखा 4 है, तो आपको 0 से काउंट स्टार्ट करना है, ये 1, 2, 3, 4। तो ये आपको मिल गया 4/7। तो इस प्रकार हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे। अब हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट नंबर है 5/3। हमारा नेक्स्ट नंबर है 5/3, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो हम इसे पहले क्या करेंगे, इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं, आधे करके लिख सकते हैं 3 × 3 और ये 2/3। तो हमने देखा ये 1 से ज्यादा है और 2 से
नंबर 5 बाय 3 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो इसे हम कहां रिप्रेजेंट करेंगे? इसे 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेम कंडीशन, आप यहां पे एक नंबर लाइन ले रहे हैं और हमने देखा कि 5 बाय 3 पॉजिटिव है, इसलिए हम यहां 0 लेंगे और पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे। ये 1 2, हम बढ़ा सकते हैं नंबर 3, या आपका 1 है, 2 है, 3, और हम देख रहे हैं 5 बाय 3 को हमें रिप्रेजेंट करना है 1 और 2 के बीच। क्यों? क्योंकि ये 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, तो हम देख रहे हैं 1 और 2 नंबर लाइन पे यहां है, इसे हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 1 और 2 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। इसके लिए हम इसके लिए यूज करेंगे 1 2 3, हमने 1 और 2 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हम देख रहे हैं इसका न्यूमरेटर है 2, तो यहां से काउंट स्टार्ट करेंगे 1 2, ये आपको जो मिला ये आपका हो गया 5 बाय 3। तो इस प्रकार हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए थे जिनमें हमने 2 प्रॉपर फ्रैक्शन लिया, 1 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया, उन सभी को हमने रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर सीख लिया। तो अब हम देखेंगे कि ये सारा नंबर जो था ये आपका पॉजिटिव नंबर्स था। अब हम जानेंगे कि निगेटिव नंबर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं, जैसे -2/3, -5/7, -13/5। तो अब हम देख रहे हैं हमारा पहला नंबर है -2/3, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन लेंगे और इसमें आपको 0 शो कर देना है। हमें इस बार नेगेटिव में शो करना है, तो हम जानते हैं 0 के लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं। तो अब यहां हम देखेंगे ये 1 और ये 2 1 2, हमने देखा ये 2/3 जो कि आपका 0 से बड़ा है, 0 से 2/3 बड़ा है और 1 से छोटा है। हमने यहां पे साइन के बारे में बात नहीं किया है, हमने कहा 2/3 जो कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो हम 2/3 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 और 1 के बीच। और हम यहां नंबर 9 में 0 के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव, तो हम यानी कह सकते हैं ये -1 है और ये -2 है। तो हम देख रहे हैं यहां डिनोमिनेटर क्या है, 3, तो इसे हम इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 1 2 3। अब हम देख रहे हैं इसका न्यूमरेटर क्या है, 2, तो यहां देखते हैं ये 1 और ये 2, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, -2/3। और हम इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं एक और नंबर लेकर, जैसे हमारा नेक्स्ट नंबर है -5/7, तो इसे भी हम लोग देख रहे हैं कि ये 5/7 जो कि 0 से 5/7 बड़ा है और ये 1 से छोटा है, तो यानी हमें यहां भी पता चला कि हम जो 5/-5/7 रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ये 0 और -1 के बीच में ही होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 0 और -1 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, तो इसको कर देते हैं, इसके लिए हम इसके लिए यूज कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब हमें देखना है इसका न्यूमरेटर क्या है, इसका हमने न्यूमरेटर देखा इसका न्यूमरेटर 5 है, तो आप यहां से काउंटिंग स्टार्ट कर दें, ये 1 2 3 4 5, ये जो हमें मिला ये हो गया आपका कितना, -5/7। तो इस प्रकार हम इम्प्रॉपर
निगेटिव फ्रैक्शंस को, सॉरी प्रॉपर निगेटिव फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर 9 पर। तो अब हम देख रहे हैं हमारा और एग्जांपल हमने लिया हुआ है -13/5, यानी हम यहां पे देख रहे हैं निगेटिव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे -13/5, इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ले रहे हैं जिस पे हमने 0 लिखा दिया है और ये नेगेटिव में हमें दिख रहा है फ्रैक्शन हमारा, तो इसलिए हम इसके लेफ्ट साइड में नंबर को लिखेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो इसे हम लिख सकते हैं -1, -2 और ये -3। हमने इसको क्या करना है, पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। तो हमने देखा ये -2 और ये 3/5 बच जाता है। तो हमने देख लिया कि ये हम यहाँ पे बात करें 13/5 की, तो 13/5 जो है वो डिवाइड देने पर आता है 2 और 3/5। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो आपका नंबर है ये 2 और 3 के बीच में है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे इसे 2 और 3 के बीच में ही रिप्रेजेंट कर देंगे। हम देख रहे हैं ये 2 होल है, 2 होल, तो अब यहां से 1, 2 यहां होल आ गए, 2 होल। अब हमें दिख रहा 3/5, यानी ये 2 से -2 से हमें बढ़ना है लेफ्ट की ओर और उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, यानी आप इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4 और ये हो गया आपका 5। तो हमें देखना है इसका न्यूमरेटर कितना है 3, तो इसे हम देख सकते हैं 1, 2, 3, ये आपको जो मिल गया ये हो गया आपका -13/5। तो इस प्रकार आज हम जान गए कि हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आप इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए वीडियो को रीप्ले कर सकते हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हमने आपसे इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। हमने कहा था वैसे नंबर जिसको हम लोग इरेशनल, जिसको हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। इसका हमने एग्जांपल आपको दिया था √3, √5, √2, √11, √17, बहुत सारे होते हैं ये नंबर्स। तो अब हम जानेंगे कि इरेशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पर। तो इसके लिए हमें पहले ये याद करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमने क्लास 7 में भी यूज किया है, क्लास 8 में भी यूज किया है और इसे हम आगे की क्लास में भी पढ़ते हैं और यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक राइट ट्रायंगल लेते हैं। ये कैसे वर्क करता है, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई करता है, हम ये पहले समझ लें। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। इस ट्रायंगल का नाम हम दे देते हैं ABC। इस प्रकार अब इसमें हमने देखा एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है, उसके सामने वाले को हम कहते हैं हाइपोटेनस। इसको हम लोग H से डिनोट कर दे रहे हैं और एक ये जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग बेस मान ले रहे हैं, बेस। और ये जो आपको दिख रहा इसे हम लोग परपेंडिकुलर मान लेते हैं, परपेंडिकुलर। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे। हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसमें हम लोग इस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस
थ्योरम वो क्या है आप यहां समझ सकते हैं, ये है h का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, h का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लोग कह सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ये वर्क कैसे करता है, जैसे मान ले हमने एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल लिया है जिसका एंगल बी 90 डिग्री है और ए बी इज इक्वल टू 1 है, बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जाए बताइए एसी का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम ये लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस ये BC का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे देखा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू यहाँ 1 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर भी यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ देखा इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आपको मिल जाता है यहाँ AC स्क्वायर इक्वल टू 112 और इसलिए हम कह सकते हैं AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2। हमने यहाँ पे पाया कि ये अंडर रूट 2 है जो कि एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसी थ्योरम का हेल्प करेंगे इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ले लेंगे, यहां हम देख रहे हैं ये पॉजिटिव है इसलिए यहां 0 देंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चलना है। आपको ये अंडर रूट 2 यूनिट रिप्रेजेंट करना है, यहां पे यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे आप बोल सकते हैं 1 यूनिट यहां इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मीटर आप यूज कर सकते हैं, वन यूनिट मान सकते हैं इस तरह से। तो हमने यहाँ पे यूनिट एक्सप्रेस किया है नंबर लाइन पर, ये हमने 1 लिया, ये हमने 2 लिया है, इसी प्रकार हमने यहाँ 3 लिया है एंड सो ऑन। तो ये 1 है 2 है, आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। तो हमने देखा अभी पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से कि अगर बेस 1 यूनिट लिया जाए और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लिया जाए तो हमें हाइपोटेनस मिल जाता है अंडर रूट 2। तो हम इसे यहां यूज करेंगे, हमने ये 1 यूनिट यहां बेस ले लिया, अब इस पे राइट एंगल यानी 90 डिग्री के हेल्प से 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेंगे और इसे 0 से ज्वाइन कर देंगे। और अब हम यूज करेंगे कंपास का, कंपास के हेल्प से उसे इस प्रकार इसका पॉइंट जो है इस पे रख कर हम इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर देंगे, ये है आपका 1 यूनिट और ये भी आपका है 1 यूनिट, तो ये आपको मिला अंडर रूट 2 यूनिट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो लेंथ इसका वही लेंथ इसका, क्यों, क्योंकि ये एक आपका सेक्टर का काम कर रहा है, सेक्टर ऑफ सर्किल, तो सर्किल में जो आपका रेडियस होता है वो सारा का सारा इक्वल होता है। सर्किल में क्या होता है, एक सेंटर है, सेंटर से हम जो भी इसके बाउंड्री को मिलाते हैं वो सारा का लेंथ इक्वल होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ कंपास के हेल्प से यहाँ इसे इस लाइन पे गिरा दिया और ये ही जो आपका रिप्रेजेंट हुआ, ये जो पॉइंट आपको इस नंबर लाइन पर मिला उसे ही हम बोलेंगे कि ये अंडर रूट 2 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूट 2 ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। अब हमें रूट 3 को रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का ही हेल्प लेना पड़ेगा। उसके लिए हम अपने माइंड में सेट करेंगे कि रूट 3 हमें कैसे मिल सकता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट ट्रायंगल लेना पड़ेगा, राइट ट्रायंगल
ये रूट टू है, तो हमने इसे रूट टू माना। अब हमें लाना है ये हाइपोटेनस का वैल्यू रूट थ्री। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम रफ में समझ ले रहे हैं, उसके लिए हमने ये हमें ये लाना है, तो इसके लिए ये कितना यूनिट लेना पड़ेगा, हम इसे निकाल रहे हैं। यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। आप देख रहे हैं यहाँ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। फिर अप्लाई कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम तो हम कह सकते हैं यहाँ ए सी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं AC का मतलब यहाँ पे रूट थ्री का स्क्वायर, और ये AB का मतलब हमें नहीं पता है, और BC का वैल्यू देख रहे हैं हम ये रूट टू का स्क्वायर। अब हम बोल सकते हैं रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, ये AB का स्क्वायर और ये प्लस रूट टू का स्क्वायर टू, इसको हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, थ्री माइनस वन इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो हमने देखा कि ये आपको मिल जाता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री में सॉरी टू, ये आपके टू सब्ट्रैक्ट होगा, थ्री में टू जाता है जैसे ही आपको वन मिलता है, इसलिए आप कह सकते हैं AB इज इक्वल टू अंडर रूट वन इज इक्वल टू वन, यानी इसका जो हम परपेंडिकुलर लेंगे वो वन यूनिट होगा। तो आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट टू ऑन द नंबर लाइन। अब आपको इसी का हेल्प लेकर आपको वन यूनिट का परपेंडिकुलर लेना होगा। आपने यहां से निकालना सीख लिया कि कितना यूनिट का हम यहां पे परपेंडिकुलर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहां से इसे जीरो से ज्वाइन कर देंगे, फिर कंपास के हेल्प से आप इसे इस पॉइंट को यहां रखकर ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार आपका रिप्रेजेंट हो गया अंडर रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में हम डेसिमल जो आपका नंबर से उसे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में यानी रेशनल नंबर्स के फॉर्म में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।